आप देख रहे हैं चनों के अंदर से कंकड़ कैसे निकाले जाते हैं। ज़्यादा आंधी के अंदर से चने गिरने की वजह से सारे कंकड़ हो गए थे। 5 बोरी के अंदर है जो ये देख रहे हैं, सामने निकाल रहे हैं। ये अंदर देख सकते हैं, अंदर पूरे पत्थर ही पत्थर हैं। और हमने इतना आज काम किया है, पूरा लगभग 1.5 बोरी के आसपास है और 4 बोरी अंदर इस पानी अंदर डाला हुआ है। 4 बोरी इस ट्रॉली के अंदर है और ट्रॉली पैक होनी चाहिए, पानी अंदर बाहर ना निकले, जिसकी वजह से काम करने में आसानी हो। चने साफ कर रहे हैं जिसमें हम ट्रॉली को भर रहे हैं। ये चने ट्रॉली के अंदर डाल दिए जिसमें अभी पानी डाल रहे हैं। एक कृषक किसान आदमी जो तकरीबन भर दिए इन्होंने, अब ये देख लीजिए ये भर दिए। अब इसके अंदर से हम पूरे चनों के अंदर कंकड़ ही कंकड़ है, ये आराम से देख सकते हैं। ये पूरे चनों के अंदर कंकड़ ही कंकड़ है। इन पूरे 4 बोरी को साफ करना है, जो अब कुछ और बाल्टी डालेंगे और फिर हम चने साफ करेंगे। आगे का वीडियो देखिए आप। इस ट्रॉली को अब फाइनली पूरा कर दिया है, पूरी भरीज गई है, ये देख लीजिए। अब इसके अंदर इसके ऊपर से ये जो कचरा है ना, ये हम निकालेंगे। एक छाननी, जो आटा छानने वाली छाननी होती है, जिसके द्वारा निकालेगा। धीरे धीरे ऐसे 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 घुमा घुमा के ये ऐसे कचरा निकाल के नीचे गिराना है। ये पूरी साफ करेंगे हम, कचरा कचरा इसके अंदर से। और ट्रॉली को हमने पूरा फुल भर दिया है, जितना पानी आ सकता था हमने इतना भर दिया है। अब ओवर फ्लो हो जाएगा ज़्यादा, यहाँ से पानी नीचे ढूंढने का, गिरने का चांस है, यहाँ से नीचे गिर जाएगा पानी। ये फाइनली पूरा हो गया, ये लास्ट बाल्टी थी। इसके अंदर से कचरे अब साफ कर दिया है, जो ट्रॉली के अंदर चनों के ऊपर जो आया था, कुछ मींगनी वैसे ललडोंगी बकरियों की थी, जो सारी यहाँ रही हैं, जो ज़्यादा बहुत थी, एक तगारी के आसपास थी। कुछ इधर भी गिराई हुई है, ये एक दो तगारी हो जाएगी छोटी वाली। और अब साफ हो गई। अब हम इसके अंदर से चने साफ करेंगे, जो कंकड़ पत्थर नीचे रह गए हैं और बाकी हल्का ऊपर आ गया और पत्थर भारी नीचे चले गए। अब इसे साफ करने हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पोलोथिन बिछाएंगे। और कल हमने ये पूरा इतना काम किया था, पूरा एक दिन लगा था, पूरे 4 बोरी साफ हो गए थे। हाँ सर, फाइनली इसके अंदर से चना निकाल लिया बाहर। अब इसको खाली कर रहे हैं हम, बस ये खाली हो रहा है। अब इसको साफ करके अब दूसरे, ये पानी चल रहा है जो ट्रॉली के अंदर से बाहर खाली कर रहे हैं। दूर ला। अरे उन्नी, ये चल रहा है पानी। ये फाइनली आज हमने पूरा दिन लगे था, सुबह से लेके शाम तक पूरे, ये खाली हो रहा है, ये देखो पानी उधर चल रहा है। कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसे खाली होने के लिए। और चने हमने ये पूरे अंदर से पत्थर निकाले हैं, पूरी 4 बोरी है जो आप देख रहे हैं। ये आज पूरे सुबह से लेके शाम तक ही हमने साफ किया है। ये पूरे 4 बोरी का चने हैं। और आपको बता दूं तो ये हमने यहाँ डाले हैं पूरे पत्थर है, जो यहाँ नीचे डाले हुए हैं। कुछ इसके अंदर चने और भी है पानी के अंदर, आप देख सकते हैं।
पानी के अंदर है। आपको मैं पत्थर बताता हूँ कि हमने कितने क्वांटिटी में बाहर निकाले हैं पत्थर। ये देख लीजिए, पूरे पूरे पत्थर हैं जो मार्च के आसपास है, जो धूल भरी आंधी जितनी तेज आई थी उस आंधी के चने उड़े थे। ये पूरे पानी खाली हो रहा है और ये यहाँ पर पास में ही हमारी डिग्गी है, इसके अंदर से पानी भर भर के ट्रॉली को भर रहे हैं। ये पास में से पानी नहीं निकला, इसकी थोड़ी सी जॉइंट मजबूत है, इसके पास से निकलना बंद है। अब खाली हो गया है, अब थोड़ा ही रहा, इसके अंदर से थोड़े चने बने बचे हैं वो निकाल देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और आगे ज़रूर वीडियो पहुँचाएँ। ये फाइनली पानी अंदर से ख़त्म हो गया है, जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, अंदर पूरी माटी और कंकड़ से भरा हुआ है, जो अब साफ करना है। जो मैं कह रहा था, ये रहा कंकड़ पत्थर से पूरे चने हो गए थे साथ में। इनको अलग करने के लिए पानी के अंदर डालने पड़े 4 बोरी। अब फाइनली हमने साफ कर दिए, अब साफ करके इन्हें बाज़ार में बेचेंगे, देखते हैं कितने भाव मिलते हैं।